वेलकम टू VTR क्लासेस और ये है 2021 का पहला वीडियो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में हम बनाएंगे ये 5 ब्यूटीफुल से प्लांटर्स जिनको मैंने बनाया है ये एम्प्टी पेंट बकेट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन बकेट्स की जो डस्ट है उसको साफ कर लीजिए और उसके बाद यूज़ किया है मैंने ये इनामल पेंट और ये गोल्डन येलो कलर है। तो अच्छी तरह से इसको हिला लीजिए शुरू करने से पहले और फिर इस पे हम पेंट अप्लाई कर देंगे। तो मैंने 5 कंटेनर्स में ये येलो गोल्डन येलो कलर किया है और 1 कोट इसका सफिशिएंट नहीं था तो इसलिए मुझे इसके ऊपर 2 कोट करने पड़े हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है पेंट, तो मैं इसमें सूखने के बाद में 2nd कोट भी सभी प्लांटर्स में मैंने कर दिया है। जो हमारा फर्स्ट प्लांटर है उसके लिए मैंने इस तरह से ये मास्किंग टेप लगाया है, वर्टिकली लगाया है थोड़ा गैप देके, और जो येलो पार्ट रह गया है उसमें मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है। तो मैं इनामल पेंट ही इसमें यूज़ कर रही हूँ और हमको ये टेप इस तरह से लगानी है कि ये थोड़ी सी लूज ना रहे, नहीं तो कलर फैल जाएगा। और सूखने के बाद में हम इसकी टेप हटा देंगे और इस तरह से हमारा पहला प्लांटर तैयार हो गया। 2nd प्लांटर बनाने के लिए मैंने जो टेप लगाई है वो हॉरिजॉन्टली लगाई है और ये मैंने अंदाजे से लगाई है, आप मेजरमेंट से भी इसको लगा सकते हैं। और एक टेप मैंने इधर लगाया है, एक ऊपर लगाया है और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें हम अब डिज़ाइनिंग करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट में मैंने कर दिया है ब्लैक कलर और ऊपर मैंने इसमें कुछ स्लोगन लिखा है, मैंने लिखा है आई लव प्लांट्स। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी थॉट लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा 2nd प्लांटर भी तैयार हो गया और जो रिमेनिंग इसमें स्पेस बचा उसमें मैंने जो कलर भी बचा था उसको मैंने इस तरह से डॉट्स लगा दिए। और अब हम इसकी टेप सूखने के बाद में हटा लेंगे और ये तैयार हो जाता है हमारा 2nd प्लांटर। 3rd प्लांटर बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ब्लैक कलर का इनामल पेंट है। हमने इसको इस तरह से फ्री हैंड कोई भी पैटर्न बनाते हुए स्प्रेड करना है। मैंने ब्रश को जो है इसमें चिपकाया बिल्कुल नहीं है बल्कि एक धार बना के ऊपर से लगाया है। सूखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और 3rd प्लांटर हमारा तैयार है। 4th प्लांटर बनाने के लिए मैंने इसमें एक थॉट लिखा है, मैंने इसमें लिखा है लिव लव एंड लाफ। लाफ के साथ में मैंने एक वर्ड और जोड़ा है गिव, लिव लव लाफ एंड गिव। प्लांट्स क्योंकि हमें देते ही हैं, कभी हमसे कुछ लेते नहीं, तो ये चीज हमें इनसे सीखनी चाहिए, हमें भी देने की आदत डालनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने बना लिए हैं कुछ फ्री हैंड पैटर्न्स बर्ड और ट्री के जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह से हम जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको फिल कर लेंगे। थॉट आप अपनी पसंद का कोई भी लिख सकते हैं। इनामल पेंट यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है तो इसको अच्छी तरह सूखने दें। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्लांटर भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट प्लांटर जो मैंने बनाया है उसमें बनाई है मैंने ये लीव्स। तो पूरे प्लांटर्स में मैंने इस तरह से लीव्स बना ली हैं और जब ये लीव थोड़ी सी अभी वेट ही होंगी तो उसी में हमने अपने ब्रश को रिवर्स करके उस पर पैटर्न बना लेना है। तो मैंने पूरे प्लांटर्स पे लीव्स बनाने के बाद में उसको ब्रश रिवर्स करके पैटर्न्स बना लिए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं हर लीफ के ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न दूं, तो उससे प्लांटर और भी यूनिक बन जाता है।
इस तरह से हम पूरे प्लांटर में लीव्स बना लेंगे। और जब हमारा प्लांटर तैयार हो जाएगा तो उसको हम ड्रिलिंग मशीन से होल कर लेंगे या फिर किसी गर्म चीज़ से हम होल कर सकते हैं। जो कंटेनर की लिड है इसको भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है, तो आप उसको एज अ ट्रे, अगर आप नीचे कंटेनर रख रहे हैं तो एज अ ट्रे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको लटका भी सकते हैं। अब हमारे सारे प्लांटर्स तैयार हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।